नमस्कार मित्रों, आप सभी के एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए पिछली बार मैंने 2016 का एंट्रेंस का पेपर उपस्थित कराया था, बट उसमें इंग्लिश का पेपर नहीं था। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए वो नहीं था, उसमें केवल हिंदी के प्रश्न पत्र थे। तो इस कारण से आप सभी का मैसेज आया और मैंने जो है इसे ढूंढा तो मुझे कहीं से मिला है। 2015 का मिला मुझे, 16 का तो नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं है, आप पैटर्न अगर समझ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर का लेवल समझ लेते हैं, तो प्रश्नों का जो स्तर है अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदा होता। आप उस लेवल की तैयारी करते हैं और पुराने प्रश्न पत्रों को एक बार देख लेने से आपको लेवल का भी पता चलता है और आपका जो स्टैंडर्ड है वो भी पता चलता है, ठीक है। पर इन सबसे पहले हम दो बातों पे बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट नोटिफिकेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड दिस ईयर, अभी तक तो उन्होंने नहीं दिया है और ऐसा मान के चला जा रहा है कि 28-30 के आसपास, 28-30 मई के आसपास वो नोटिफिकेशन देंगे। लेट इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट करने के लिए जो है प्रोसेस शुरू की है और कुछ सब्जेक्ट के लिए वो एंट्रेंस भी लेने वाले हैं। तो इसलिए जो है, इस वजह से इस बार का जो है नोटिफिकेशन लेट से आएगा, ठीक है। दूसरी बात कि आप इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले, निगेटिव ना ले कि लेट हो रहा है तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये आपके लिए पॉजिटिव है, आपको काफ़ी अधिक समय मिल रहा है, और भी अधिक समय मिल रहा है, तो आप इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले और इसे जो आपको एक्स्ट्रा 10-20 दिन मिलेंगे उसका आप फायदा उठाइए। हो सकता है वो जून के लास्ट में एंट्रेंस ले ले या जुलाई के फर्स्ट वीक में ले लें, तो आपको 10-15 दिन एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, आप उसे यूज़ करें और भी अच्छी तरह से तैयारी करें। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर आज हम ये देखने वाले हैं, 2015 का जो पेपर है, इसमें बहुत से प्रश्न इसमें जो है करंट से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब हम आगे इसको करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें हमें मिलेंगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो मेरा ग्रुप है, उस मैंने आपको पहले भी बोला था और बहुत से लोग आए भी हैं उसमें, जो सीटेट मेंटर, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, सीटेट मेंटर, ठीक है। आप इसे, ये ग्रुप है FB पे, आप जब फेसबुक पे सर्च मारेंगे सीटेट मेंटर तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे वीकली हम करेंट अफेयर्स के नोट्स डालते हैं, 50-60 क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर सप्ताह के, वो यहाँ पे डाले जाते हैं और उसे मैं अपने ब्लॉग से लिंक कर देता हूँ। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जनरल नॉलेज से संबंधित, मैगजीन्स से संबंधित या जो भी आर्टिकल्स हैं वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी ब्लॉग से। तो यहाँ आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा डेली यहाँ पे नोट्स भी डाले जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो 2015 का जो प्रश्न है वो इन्होंने 150 नंबर का पूछा है, 50। इसको इन्होंने तीन सेक्शन में किया था। पहला सेक्शन तो इन्होंने लैंग्वेज का रखा, दूसरा सेक्शन जो था वो रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स R&M, ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट का रखा था इन्होंने, तीसरा सेक्शन सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में इन्होंने काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन बनाया था, इसमें जैसे सब्जेक्ट में इन्होंने जैसे GS तो रखा ही, चाइल्ड साइकोलॉजी के भी कुछ सेक्शंस रखे, साइंस भी रखा, लिटरेचर के भी कुछ क्वेश्चन रखे, तो
तो इन सबको मिला के इन्होंने क्वेश्चन बनाया। तो हम शुरू करते हैं पहले लिटरेचर से। ऐसा है कि इसमें जो 150 प्रश्न पत्र हैं सभी को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। अगर सभी को पढ़ तो दूँ पर उसमें जो है 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। मैं स्क्रीन को स्लोली लेकर चलूँगा, आप प्रश्नों को जो है देख लें और सबसे पहले कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और साथ में इसे सोल्व कर ले। लास्ट में आंसर भी मैंने दे दिया है, जो ऑफिशियल आंसर भी आया था तो इसके साथ मुझे आंसर मिल गया, इसलिए मैंने लास्ट में जो है आंसर दे दिया है। पहले आप पॉज कर लेंगे स्क्रीन को और इसे आराम से सोल्व कीजिए, उसके बाद जो है आप जो आंसर है वहाँ से उसे मिला लें तो आपको पता चलेगा कि आपका अभी स्टैंडर्ड क्या है और किन किन सेक्टर में आपको, किन किन सब्जेक्ट के सेक्शन में आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो लिटरेचर अर्थात लैंग्वेज का जो सेक्शन है इसमें इन्होंने टोटल 40 क्वेश्चंस रखे हैं। ये पैराग्राफ हैं, पैसेज हैं, तो इस पैसेज से इन्होंने 1 से 7 तक, जैसे ये पैसेज है तो इस पूरे पैसेज को आप पढ़िए और फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन मैंने जैसा पिछले वीडियो में जो BLED का मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एडवाइस दिया था कि पहले प्रश्न को पढ़ लें उसके बाद जो है पैसेज को पढ़ें। जैसे क्वेश्चन 1 है, द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस पैसेज इज, जो पैसेज है किससे रिलेटेड है, किस इशू से रिलेटेड है। तो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो इस बात का गौर करेंगे कि आखिर किस विषय पे है ये। ठीक है, उसके बाद जो जो क्वेश्चन है आगे आप देखते जाइए और इसे सोल्व करें साथ ही साथ। और जैसे 7 क्वेश्चन जो पैसेज 1 है उससे हैं एंड सेकेंड पैसेज 2, इन्होंने दोनों पैसेज ही रखा है लेकिन दूसरे में इन्होंने कुछ चेंज किया है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के टाइप से ये हैं 10, 11, 12, 13 और इसे फिल करना है। आगे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से इन्हें फिल करना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से हैं और 15 क्वेश्चन ही हिंदी से हैं। ये देखिए गद्यांश, हिंदी दक्षता परीक्षण। ठीक है, ये काफ़ी लंबे पैराग्राफ हैं और इनको जो है आपको पढ़कर प्रश्न को सोल्व करना है। तो इन्होंने टोटल 30 क्वेश्चन पैराग्राफ इंग्लिश हिंदी से रखा है और दोनों ही पैसेज ही पैसेज है, तो आपको पैसेज का ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और काफ़ी आसान भी है, यहाँ 30 नंबर आपको लेना काफ़ी आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट बी, मींस रीजनिंग। ओके, रीजनिंग में इन्होंने टोटल जो क्वेश्चंस रखा है वो 20 है अर्थात 31 to 50। सो इसमें जो स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसके अलावा जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा। जैसे 34 देखिए, पहला है 100, फिर 200, फिर 600, फिर 3000, फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो ये मल्टीप्लाई होता जाता है तो आप इसको ध्यान में रखना है कि पहले 2 से गुना हो रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आप कैलकुलेट करके इसे कर लेंगे। ये रीजनिंग का पार्ट बी है और ये 50 तक इन्होंने रीजनिंग रखा है। ओके, और रीजनिंग के साथ साथ इन्होंने कुछ मैथ के क्वेश्चन भी रखे हैं। जैसे 47 जब आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें मैथ के क्वेश्चन भी हैं, तो आपको रीजनिंग काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इनका रीजनिंग का स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है, फोर्टी फोर स्टेटमेंट, ओके स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, 45 काफ़ी आसान है,
47 नंबर सिस्टम से संबंधित है, रीजनिंग भी है ये एक तरह से। जैसे 47 का आंसर सी है, पार्टिकुलर नंबर व्हाट इज 11 टाइम दैट नंबर, ठीक है। 48 ये भी रीजनिंग, 49 भी रीजनिंग है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन का देखिए आपको स्टैंडर्ड पता चल जाएगा। 49 काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, 50 भी काफ़ी लेंदी है, एक पैराग्राफ ही है एज लाइक अ पैराग्राफ 50। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट सी, सब्जेक्ट नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। सो 51 सानिया मिर्जा एंड साइना नेहवाल एंड मेरी कॉम आर एसोसिएटेड रेस्पेक्टिवली विद, किस गेम से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो ये आपको मिलाना है। जैसे जिस क्रम में नेम है, फर्स्ट सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा इज प्लेइंग टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, मेरी कॉम बॉक्सिंग। राइट आंसर इज ए। जैसे 52 सुनीता नारायण, तो सुनीता नारायण एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, तो इसका जो है सीधे ए हो जाएगा, एंड इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट एंड मैच प्रोपेंट टू ग्रीन कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शाश्वत विकास। ओके, 53 इज डायलेक्सिया, ये एक बीमारी है, आई से रिलेटेड होती है। इसका राइट आंसर है सी, लर्निंग डिफिकल्टी टू रीड फ्लुएंसी एंड विद द एक्यूरेट कॉम्प्रिहेंशन डिस्पाइट एवरेज इंटेलिजेंस। ओके, 54 विच फीचर आर एडवांस्ड द स्मॉल स्केल, ठीक है। तो ये जैसे 55 है, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जो है जनसंख्या और जो रिसोर्सेज है उसका एक बेहतर कंडीशन इसमें जो है बताया गया है कि किस स्थिति में सबसे बेहतर कंडीशन होती है। तो जैसे 55 का जो राइट आंसर है वो ए होगा, क्योंकि अ पॉपुलेशन विच प्रोडक्ट द हाईएस्ट आउटपुट पर हेड, मतलब एक बेहतर कंडीशन में जनसंख्या है। ओके, 56 ये मिलाना है। जैसे इसको हम अगर हम मिलाए तो नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, गंगा वैली, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो इसमें से जो हम पहले जानते हैं पहले उसे मिलाते हैं, ठीक है। मगध और नर्मदा वैली, ठीक है। अब दूसरे साइड का ऑप्शन पढ़ते हैं, द फर्स्ट बिग किंगडम हंटिंग एंड गैदरिंग सिटीज अबव 2500 ईयर्स एगो। तो ये थ्री जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, तो ई का कभी भी होगा तो थ्री होगा, तो इससे एक सही आंसर नहीं, ये अभी नहीं, अभी पहले और को देखते हैं। ओके, मगध ये जो है द फर्स्ट बिग किंगडम है, ठीक है, बी का वन, ठीक है, अर्थात बी का अगर वन हम मानते हैं तो बी और सी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, गंगा वैली सी का एग्रीकल्चर का प्रमाण, एग्रीकल्चर का प्रमाण मान सकते हैं क्या इसे सी का? जैसे ये ठीक लग रहा है मुझे, तो सी का 5 लग रहा है मुझे सही है, अर्ली एग्रीकल्चर सी ऑप्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आगे देखते हैं, डी का इन्होंने 3 माना है, 3 माना है डी, अर्थात इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ही पढ़ने में गलती कर दी थी, वो मैं सिविलाइजेशन समझ रहा था। ओके, तो ई का The first cities of Indus and its tributaries, ठीक है, ऑप्शन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 56 के लिए सी मुझे लग रहा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और 57 देखते हैं, 57 में पूछा है इन्होंने सेकेंडरी सोर
ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो रिसोर्सेज अगर हम रिसर्च करते हैं हिस्ट्री की, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। लद्दाख 58 ज्योग्राफी, हाँ ये 59 है, यंग फोल्ड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन्स इससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हिमालय होगा, क्योंकि विंध्याचल रेंज पुराना है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ये भी पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यू है, प्लेट्यू माउंटेन से पहले की संरचना है, इसलिए ऑप्शन ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होता है उससे एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन, 60 नंबर, ठीक है। 61, ठीक है, आप देख लीजिए इसे, यहाँ पे पैराग्राफ ये पढ़कर इसे एग्जामिन करना है, 62 और 63, ठीक है। यहाँ से इन्होंने साइंस पूछा है, तो आपको मैंने पहले भी जब डिस्क्राइब किया था शुरू में, तब भी मैंने आपको बोला था कि साइंस के साथ साथ जीएस भी पूछेंगे, साइंस भी पूछेंगे, करेंट अफेयर्स भी होगा साथ में, और कुछ पेडालॉजी जो नॉर्मल बेसिक है, दो चार क्वेश्चन मात्र होंगे उससे संबंधित। तो यहाँ से इन्होंने साइंस शुरू किया है, ग्रीन केमिस्ट्री, ओके, ये सब विलियम शेक्सपियर, फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने 70 नंबर में लिटरेचर पूछ दिया है, आगे भी आपको लिटरेचर के काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 71, 72 यहाँ से देखिए, ठीक है, फिर 80 से इन्होंने पॉलिटी सेक्शन, पॉलिटी के लिए मैंने आपको 12th और 11th की किताबें बोली थी, जो संविधान से संबंधित एक पुस्तक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल पे रेड कलर की एक बुक आती है, उसे आप देख लीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद है वो, बेसिक उससे हो जाएगा, या फिर आप लूसेंट भी पढ़ लेते हैं तो सफिशेंट है, बेसिक क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे साइंस मिक्स है, जैसे 90 क्वेश्चन नंबर 90 देखिए लिटरेचर का क्वेश्चन है, उसके बाद जैसे 91 भी लिटरेचर का क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय की नोबेल के बारे में पूछा गया, वार एंड पीस बिगिंस इन, कहाँ पे शुरू होती है, तो जैसे 91 का अगर हम आंसर देखें तो सी होगा, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया का एक शहर है। ठीक है, जैसे 99 बायोडाइवर्सिटी इन इज रिचर इन, कहाँ पे काफ़ी अधिक होगी, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी वहीं होगी ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तुलनात्मक रूप से अन्य क्षेत्रों के, तो ट्रॉपिकल है, पोलर है, टेम्परेट है, सब ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल रीजन 99 का ए होगा जैसे आंसर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ ज्योग्राफी भी पूछा है और कुछ इन्होंने पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चंस भी साथ में रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, हाँ यहाँ पे इन्होंने साइंस के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, आप इसे देख लें, और अगर साइंस में पॉसिबल हो तो 10th तक की आप एनसीईआरटी पढ़ लें, या फिर आप लूसेंट की साइंस भी पढ़ सकते हैं, बेसिक वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। यहां भी इन्होंने ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन है, जैसे 119 रिवर्स फ्लोइंग इनटू द अरबियन सी,
हैव डेल्टा बिकॉज हैव डू नॉट हैव डेल्टा, जिनके जो रिवर अरबियन सी में गिरती है उनमें डेल्टा क्यों नहीं होती है। दे हैव शॉर्ट स्विफ्ट कोर्सेज ड्राउन टू, नहीं। दे डू नॉट कैरी मच सेडिमेंट, ये ठीक है लेकिन अभी इसको 100% सही नहीं मानेंगे। दे डू नॉट हैव मैनी ट्रिब्यूटरीज, इसको भी नहीं मानेंगे। देयर ओरिजिन आर नॉट फार फ्रॉम द सी, ओके। दे हैव ए शॉर्ट स्विफ्ट डाउन, स्लोप, ओके। हाँ तो इसका जो है ए आंसर ज़्यादा, ए और बी में डाउट की कंडीशन थी पर ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए ही होगा इसका आंसर, ठीक है, ओके। यहाँ पे सारे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इकोनॉमिक्स आ गई, ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री, ये 12th की हिस्ट्री से कवर्ड हो जाएगी। स्टेटमेंट अबाउट द इंडिपेंडेंस जुडिशियरी पॉलिटी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साइंस के क्वेश्चन स्पेशली केमिस्ट्री को ज़्यादा रखा है, हाँ। जैसे फिर मैं जैसे बोल रहा था आपको कि लिटरेचर के भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आप देखिए जैसे 34 अंधेर नगरी चौपट राजा इज रिटन बाई, मतलब राइटर, इसका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, ये एक व्यंग्यात्मक रचना है, ओके। 135 द फेमस स्टोरी ऑफ प्रेमचंद्रा विच रेफ्ट द चाइल्ड्स माइंड, तो ये जो है ईदगाह पे है, जो एक छोटे से बच्चे की कहानी है, ओके। और जैसे दो बैलों की कथा, ये तो दो बैलों की कहानी पे है, कफन दलित उत्पीड़न से रिलेटेड है, गोदान में काफ़ी सारी समस्याओं पे चर्चा की गई है लेकिन उसमें चाइल्ड माइंड पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, जैसे स्त्री से संबंधित समस्याएं हैं, कर्ज की समस्या है, किसान की समस्या है, दहेज का से रिलेटेड है, इन सारी एस्पेक्ट्स को जो है गोदान में रखा गया। तो गोदान केवल एक समस्या से एसोसिएटेड नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गंगा जमुनी तहजीब, ओके। 37, 38 एक्सचेंज ऑफ द ऑस्ट्रेलियन डॉलर एप्रेंस रिगन टू स्विस फ्रेंस, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस, ओके। करेंट, यहाँ से करेंट देखिए आपको मिलेगा, 139 भी करेंट से रिलेटेड है। 140 बुलबुली खाना विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, देखिए ये भी करेंट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, ये करेंट है क्योंकि उस समय साइक्लोन्स 2015 में 2-3 अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आई थी, उससे रिलेटेड दोनों ही क्वेश्चन हैं, तो ये करेंट है टोटली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पॉलिटी है। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट द अर्थ ऑन द मैप बिकॉज, ये बेसिक ज्योग्राफी है। 142, ठीक है। 44, 45, 46, 47, 49 और जैसे 49 बल्ब रेटेड फॉर 100 वाट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट मेन सप्लाई, द पावर ड्रॉन बाई इट इज, इसका राइट आंसर होगा सी होना चाहिए, 25 वाट, ओके, 150। और देखिए इसमें लास्ट में मैंने आंसर मेंशन कर दिया है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो इसे देख लें, दोनों कंप्लीट है यहाँ पे, 150 सभी के आंसर मैंने दे दिए हैं आपको, आप इसे सॉल्व कर लें और अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि कौन सी बुक फॉलो करनी है या कैसे करनी है,
तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को जानबूझकर छोटा किया है ताकि आपको क्वेश्चन मिल जाए, और क्वेश्चन डालना भी ज़रूरी था तो मैंने इसे जल्दी जल्दी ही पढ़ा है। सारे क्वेश्चन को पढ़ना भी पॉसिबल नहीं था, आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे लगेंगे कम से कम पढ़ने में उसे। ठीक है, ओके, फिर क्लोज करते हैं इसे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।